हल्द्वानी में फिलहाल नहीं चलेगा बुलडोजर। सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, 5,000 परिवारों को मिली राहत। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड के हल्द्वानी में करीब 50,000 लोगों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने हल्द्वानी के बनभूलपुरा इलाके में रेलवे की जमीन से अतिक्रमण हटाने के हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा है कि 7 दिन में अतिक्रमण हटाने का फैसला सही नहीं है। सुनवाई के दौरान जस्टिस संजय कौल ने कहा कि इस मामले को मानवीय नजरिए से देखना चाहिए। जस्टिस कौल ने कहा कि मामले में समाधान की जरूरत है। आरोप है कि हल्द्वानी में करीब 4,400 परिवार रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण करके रहते हैं। इस मामले में हाई कोर्ट ने दिसंबर 2022 में रेलवे को अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया था। इस आदेश के बाद करीब 50,000 लोगों के आशियाने पर बुलडोजर चलने का खतरा मंडरा रहा था, लेकिन अब अगली सुनवाई तक इन लोगों को राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में अगली सुनवाई 7 फरवरी को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने तब तक के लिए हाई कोर्ट के फैसले पर स्टे लगा दिया। हालांकि सार्वजनिक परिसर अधिनियम के तहत कार्रवाई जारी रह सकती है। कोर्ट ने नोटिस जारी कर सरकार, रेलवे समेत सभी पक्षों को जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 50,000 लोगों को रातों रात बेघर नहीं किया जा सकता। रेलवे को विकास के साथ साथ इन लोगों के पुनर्वास और अधिकारों के लिए योजना तैयार करनी चाहिए। सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात यह है कि जहां लोगों ने 1947 के बाद नीलामी में जमीन खरीदी है, वहां आप उस परिदृश्य से कैसे निपटेंगे। उन्होंने कहा कि आप निश्चित रूप से लाइन का विस्तार कर सकते हैं, लेकिन वहां जो लोग 40, 50 और 60 साल से रह रहे हैं, उनके लिए पहले पुनर्वास योजना लानी चाहिए। राजसत्ता टीवी पर आपको मिलती है देश दुनिया से जुड़ी एक से बढ़कर एक खबरें। आप भी जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।